हेलो गाइस, मेरा नाम पंकज बोत्रा है। स्वागत है आपका टेक्निकल पंकज यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप एडोबी प्रीमियर प्रो CS6 पे बिना कोई प्लगइन्स के लेटर बॉक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल मतलब क्या, आप लेटर बॉक्स की तरह कैसे दिखने वाला एक इफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी फाइल इंपोर्ट करनी होगी। अगर आप प्रीमियर प्रो के बारे में कुछ नहीं जानते तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको शुरू से सब प्रीमियर प्रो के बारे पे बता दूंगा। ठीक है, मैं एक वीडियो बना के, और अगर आप जानते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर अपनी फाइल्स इंपोर्ट करनी होगी पहले। ठीक है, तो यहाँ पर से कोई भी एक फाइल चूज करके आप यहाँ पर ओपन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर वो वाला फाइल आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल इंपोर्ट की हुई है। अब मुझे इसे लेटर बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ से हम ड्रैग करके लेकर के सिंपली यहाँ पर टाइमलाइन पे छोड़ देते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस पे भी कोई भी लेटर बॉक्स दिखने वाला इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेटर बॉक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ज्यादातर मूवी वगैरह में देखते हैं कि ऊपर से थोड़ा कटा हुआ है, नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ है, ब्लैक ब्लैक कलर का। ठीक है, वो वाइट भी होता है, तो उस तरह का इफेक्ट आप अपने वीडियोस पे कैसे बना सकते हैं, एक फिल्म लुक कैसे दे सकते हैं, यही आज इस वीडियो पे मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी आपको सबसे पहले अपनी फाइल इंपोर्ट करके यहाँ पर इसे ड्रैग करना है। ठीक है, और इधर आप नीचे को देख सकते हैं, यहाँ पर न्यू आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए कलर मैट। ठीक है, कलर मैट पे क्लिक कीजिए और अपने वीडियो की सेटिंग्स विड्थ और हाइट यही रहने दीजिए, और आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आप कलर पिकर से आपका अगर ये वाला कहीं भी है, सिंपली इसको इधर से ब्लैक कर दीजिए, पूरा पूरा ब्लैक करना है आपको। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कलर कोड इसका 00000। ठीक है, और ओके पे प्रेस कर दीजिए, और यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं ब्लैक मेट। ओके, और ओके पे क्लिक कर देना है आपको। तो ये देखिए सिंपली यहां पर जो है ब्लैक मेट आ चुका है। अभी आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको ऐसे पकड़ के लेके आके ऊपर इसको कर देना है। ठीक है, यहां पर देखिए ऊपर इसको पेस्ट कर देना होगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपके सामने एक ब्लैक मेट आ चुका है। अब इसके थोड़ा हमें सेटिंग्स चेंज करनी होगी। इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए और अपने इफेक्ट्स कंट्रोल पे आ जाइए। ठीक है, इफेक्ट कंट्रोल पे आने के बाद अभी आपको क्या करना है, देखिए मोशन पे आपको यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, मोशन पे क्लिक करने के बाद अब इसके स्केल और सॉरी पोजीशन को हमें थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पोजीशन चेंज करते हैं इसका। इसको ऐसे पकड़ के लेके आके आप सिंपली इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ओके, आपको जितना दूर तक चाहिए वो वाला आप सिंपली उसको पोजीशन दे दीजिए। ठीक है, देखिए ये ऐसे रहेगा इतना दूर तक। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अभी हमें इसका और एक कॉपी बनाना है। देखिए सिंपली इसको हमने अभी कॉपी कर लिया। अभी आप इसके एंकर पॉइंट को जो पोजीशन का जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसे नीचे उतारिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी पोजीशन चूज कर सकते हैं कि आपको कितना कितना चाहिए। ठीक है, अब मैं अपनी वीडियो को जो है प्ले करता हूँ, उससे पहले आप अपने इस फुटेज को जो है ठीक से चेक कर लीजिए। ओके, आप वीडियो के लास्ट तक जिन्हें देना चाहते हैं ये वाला, या और भी कहीं देना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसे सिंपली चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अपने वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने बिना कोई प्लगइन्स इंस्टॉल किए आपने कितनी अच्छी तरह से लेटर बॉक्स का इफेक्ट जो है अपने वीडियो पे बना लिया है। ठीक है,
तो यही है इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद कि आप लोग कुछ सीख पाए। अगर आप प्रीमियर प्रो के बारे पे कुछ भी नहीं जानते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको शुरुआती तौर से एडोबी प्रीमियर प्रो के बारे पे सब कुछ ठीक से सिखा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस वीडियो पे एक लाइक जरूर से दीजिए, और अगर आप अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।